बलिया से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्रसव कराने के नाम पर 3000 की वसूली के बाद एएनएम की जगह आशा ने कराया प्रसव। प्रसव के दौरान नवजात बच्ची की टूटी बांह, गरीब मां बच्ची के इलाज के लिए कर्ज लेकर दौड़ लगा रही प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्रसव कराने वाली आशा हुई फरार। पीड़ित महिला पहुंची सीएमओ दरबार। जी हां, बलिया जनपद के बांसडी स्वास्थ्य केंद्र पर आशा की करिस्तानी से बांसडी स्वास्थ्य केंद्र आज चर्चा में आ गया है। यहाँ पूनम वर्मा नाम की एक आशा का इतना दबदबा है कि वह एनएम के रहते हुए लेबर रूम में प्रसव कराती है, जबकि किसी भी आशा को प्रसव कराने की न तो इजाज़त है और न ही इसकी ट्रेनिंग ही दी गई है। यही नहीं, यहाँ अमीर हो या गरीब, प्रसव के लिए हजारों रुपये जमा भी कराए जाते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में प्रसव एकदम मुफ्त है। यह स्वास्थ्य केंद्र चर्चा में इसलिए आ जाया है कि पिछले 30 जून को गुंजा पत्नी धुरान राजकुमार निवासी चितबिसाव खुर्द बांसडी ने सीएमओ बलिया से पूनम वर्मा, आशा और एनएम उषा देवी के खिलाफ लिखित शिकायत की है। गुंजा देवी के अनुसार 30 जून को उसका प्रसव आशा पूनम वर्मा ने कराया है। प्रसव के दौरान इसके बच्चे की बाहर निकालने के दौरान बच्ची के हाथ को तोड़ दिया गया है। पीड़िता गुंजा के अनुसार इन लोगों ने इसकी माँ से प्रसव के लिए लगभग 3000 रुपये भी जमा करा लिया। दोपहर बाद 4 बजे गुंजा को रिलीव भी कर दिया गया, जबकि कम से कम 24 घंटे नवजात की सेहत के लिए वार्ड में रखा जाता है। गुंजा के अनुसार जब घर जाने पर बच्ची की लगातार रोने और बांह को फूली देखा तो वह घबरा गई। गुंजा ने स्थानीय आशा अनीता को रात में इसकी सूचना दी। सुबह अनीता ने जब बच्ची का हाथ उठाकर देखा तो उसे टूटने का बांह का एहसास हुआ। आशा ने गुंजा को हाथ का एक्सरे कराने और डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। बच्चों के जन्म के बाद के रीति रिवाज को करने के बाद 8 जुलाई को गुंजा जिला अस्पताल पहुंची और चिकित्सक की सलाह पर एक्सरे कराया तो कंधे की कोहनी के ऊपर 2 जगह हड्डी टूटी पाई गई, जिसका प्लास्टर कराया गया। 20 जुलाई तक जब बच्ची की बांह में सुधार नहीं हुआ तो गुंजा ने 10 रुपये सैकड़ा मासिक की दर पर 5000 रुपये ब्याज पर लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के यहाँ पहुंची, जहाँ चिकित्सक ने दोबारा प्लास्टर चढ़ाया। गुंजा के कथन का पूर्ण समर्थन आशा अनिता द्वारा भी किया गया। अब गुंजा यह चाह रही है कि पूनम वर्मा जैसी कोई भी महिला किसी का प्रसव न कराए, जिससे उसकी बच्ची जैसा हादसा दोबारा ना हो सके। वहीं एनएम उषा देवी, जो ड्यूटी पर तैनात होते हुए अनट्रेंड महिला को प्रसव कराने की अनुमति देती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। गुंजा कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा अच्छा, अभी क्या मामला है? देखा जा रहा है अभी आप हॉस्पिटल आई हैं। हॉस्पिटल आए हैं, बच्चों को हमारा डिलीवरी कराया। कब डिलीवरी हुई थी आपकी? 30 जून को। अच्छा, कहाँ हुआ? कौन कराया था डिलीवरी और कहाँ हुआ था? सरकारी हॉस्पिटल में बांसडी। कौन कराया था? पूनम वर्मा कराया। ये पूनम वर्मा कौन है? आशा है। आशा बहू है। आशा डिलीवरी कराई थी आपकी? कोई एनएम नहीं थी वहाँ? एनएम नर्स ना रहे लो या नर्स ना रहे लो और तीन आदमी रहे थे। अच्छा, तो डिलीवरी कराया कौन आपका? पूनम वर्मा कराया। पूनम वर्मा ही कराई। तो क्या है अभी बच्चे की स्थिति क्या है? स्थिति है, हाथ उसको पैदा कराया मैं, घिस के टूट गया। बच्चे का हाथ टूट गया है? टूट गया। प्राइवेट में क्यों इलाज कराने के लिए गई? सरकारी में उसका इलाज नहीं हो रहा है? उसी में हम लिया, अब हमको ना पता है, उसी में हम चल गए। कौन लेकर गया था आपको वहाँ पे? हमके साथ उसी में गए थे हम। कौन लेकर गया था आपको? अच्छा ठीक बात, तो उस हॉस्पिटल में गए रहो तो आप डिलीवरी हो गए, बाँह टूट गए, तो बाँह टूटला के बाद लड़का के बाँह के कहाँ इलाज हो? इलाज होने हॉस्पिटल जितेंद्र सिंह में अवरी के करनी है, वो दूहाली हो बीच करनी है तो असाई देखावत है। अच्छा, अवरी के करनी है तो असाई देखावत, फैन प्लास्टर हम करवा देनी है। अच्छा, हमारे पास पैसे ना रहे, हम दूसरे के से किराया लेके हम अपन बाबू के प्लास्टर। सरकारी हॉस्पिटल में प्लास्टर ना भयल? ओहू में भयल तो ठीक ना भयल? ठीक भयल। जितेंद्र सिंह में हम करनी है, हमारे प्राइवेट में ना, हमारे पति भी हमारे साथ में था बाहर रात बा, बच्चा के डिलीवरी करावे, अकेले भी गए रही, आशा बहू के लेके गए रही। वहाँ पैसे वैसे लग रहे हुए? डिलीवरी करावे में पैसा लग रहा हुआ। कितना पैसा लग रहा हुआ? अब हमको पता नहीं है। कि पैसा के देले रहे? हमारे मम्मी देले रहे। अच्छा, रीना बताओ तोहरा कितना पैसा देले बा? मम्मी हमारे
3000 के करीब में बच पाऊंगे, कुल जमा कागज भर रहे कुल में। सरकारी हॉस्पिटल में 3000 लिए लोग, और एक बाद बाह टूट गए, फिर बाह के इलाज न करे लोग ना, बाह घरे आवे में खूब बच्चा रोवे लगे, हम कहूँ की हमारे बच्चा के का हो गए बाबे, तब फिर निकसारी हो गई नहीं, निकसारी हो गए अपन लेके आनी हॉस्पिटल, एक्सरा कराऊ, एक्सरा में देखावे बाह टूट गए, तब यहाँ का हम कहे की देखे ना हमारे बबनी के बाह टूट गए लड़की है वो। हाँ तो कहते हैं कि ठीक बात तू कराब, हम आली हॉस्पिटल पर मिलू ही अपन, कहे की बच्चा के बाह टूट गए अपना बेटी नहीं है ना, गोई रानी हॉस्पिटल पर ना भेटे। अच्छा वो रहेली कहाँ? अब हमके पता नहीं कहाँ, कहाँ हमको पता नहीं कहाँ। वहाँ के डॉक्टर से बात करूँ? हॉस्पिटल पर डॉक्टर क्या मिल रहा? डॉक्टर मैं मिल रहा हूँ। तो क्या बात कर रहे हो? कहाँ मिलो कि उनका का धारा, अब हम नहीं की जाना तो उनका कैसे हम घर लिया है। मैं मिल लोग ना कुछ बता दो, आखिर पैसा कहाँ से लिया के इलाज करे लो बच्चा के? अपने कथी पर लेके, सूद पर लेके भाई कितना ले लो पैसा सूद? पहले तो 5000 लेके करे ले रहे 2000 ले, फिर नौकरी कहीं है जितेंद्र सिंह इनको मिल लागे कितना पैसा लागल? कथी से ले बनी समूह में ना ले रहे यही तरह गाँव में से ले रुपया महीना को के देने है उस दिया बगल के दे आदि है लो 10 रुपये का के देले बने का नाम है उनका उनका नाम हाँ उनके ससुर उनके मर्द के नाम का है उनके मर्द के नाम है।